नमस्कार, स्वागत है आपका। स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। साफ हवा में सांस लेना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब इसे सुनिश्चित कराने वाली सरकारें कोताही बरतेंगी तो फिर न्यायालय को मोर्चा संभालना पड़ेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है और मामले में फुल प्रूफ एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है। जी हाँ, साल बदलता है मगर हालात नहीं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की यही कहानी है। पानी सर से इतना ऊपर जा चुका है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ने यह कह दिया कि प्रदूषण को लेकर सरकारों और अफसरों का रवैया ऐसा है कि कहीं कोई गंभीरता और एक्शन दिखता ही नहीं। प्रदूषण को किसी भी तरह से रोकने में सारी मशीनरी, सारी सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में फैले प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार, दिल्ली एनसीआर सभी को जमकर फटकार लगाई और केंद्र को भी आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहे अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई करने की बजाय उन्हें सिर्फ नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से दलील दे रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी पर भी जज नाराज दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारें कानून लागू करने में गंभीर होती तो मुकदमा दर्ज होता तो जरूर दिखता। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में यह भी कहा कि समय आ गया है कि केंद्र, पंजाब और हरियाणा की सरकारों को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। आज हम इसी पर करेंगे खास चर्चा, लेकिन सबसे पहले आखिर किस तरह की तल्ख टिप्पणी सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा अपनी इस टिप्पणी में और क्या निर्देश दिए, हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल की यह रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली के बढ़ते हुए प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है कि पराली या स्टबल बर्निंग पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में कई सारे फार्मर्स इसका उपयोग करते हैं। इस वजह से ही आप देखेंगे कि AQI लेवल्स भी पुअर या सिवियर कंडीशंस में आपको नजर आएंगे। दिल्ली और नोएडा में फिलहाल AQI के लेवल्स जो है वो बहुत पुअर कंडीशंस में आपको दिखाई देंगे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह एक बहुत अहम सुनवाई थी, जिसमें कि सेक्रेटरीज ऑफ पंजाब और हरियाणा इनको आज बुलाया गया था, समन किया गया था और एक्सप्लेन करने को कहा गया कि कुछ केसेस में जो पेनल्टीज है वायलेटर्स को लेकर या उन किसानों को लेकर जो स्टबल बर्निंग या पराली में इंडल्ज कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। और ये पाया गया कि कुछ केसेस में पेनल्टी एक लोअर लेवल पे ली गई और कुछ केसेस में बहुत कम FIRs फाइल किए गए। तो ये इन स्टेट्स की तरफ से एक लैक्स बिहेवियर क्यों देखा गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को भी स्लैम किया है, ये कहते हुए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण जो है वो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन के सेक्शन 15 के अमेंडमेंट के डिसीजन को भी स्लैम किया है। उन्होंने ये कहा है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को टूथलेस बना दिया गया है उसके अमेंडमेंट के बाद और इसी को लेकर जो सोलिसिटर जनरल है सेंटर की ओर से उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में या 2 हफ्तों में एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी इस मामले में और स्टबल बर्निंग को लेकर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होता हुआ आपको नज़र आएगा अगले 10 दिनों से 2 हफ्तों के दौरान। तो ये एक मैटर आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पोल्यूशन को लेकर ये भी कहा है कि दिवाली के बाद केस बाय केस इस मैटर को वो रिव्यू करेंगे। तो ओवरऑल ये था दिल्ली पोल्यूशन को लेकर जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली दिवाली के दौरान पोल्यूशन के लेवल्स काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आते हैं।
तो आपने ऐश्वर्या की रिपोर्ट देखी और आप इस रिपोर्ट के ज़रिए और तमाम जो जानकारियां हमने आपके सामने रखी उसके ज़रिए आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर किस हद तक लापरवाही अब पहुंच चुकी है। हमारे साथ आज एक ख़ास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ विवेक चट्टोपाध्याय साहब हैं, आप हैं प्रिंसिपल प्रोग्राम मैनेजर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट से, CSE से। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर विवेक आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस चर्चा में आपने समय दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा है, हम अभी एक हफ्ते पहले ही चर्चा कर रहे थे प्रदूषण पे, बार बार चर्चाएं होती हैं और मेरे ख्याल से आम व्यक्ति से लेके और विशेषज्ञों तक सबकी रिकमेंडेशन, सबके पॉइंट उठाने में सब में बार बार ये समस्या आती है। हर साल ये समस्या इस वक्त थोड़ा आगे पीछे मान लीजिए आती ही है। क्या आखिर मशीनरी इस स्तर पे क्या उसकी मजबूरी है, क्या उसकी नाकामी है, या उसने ये मान लिया है कि चलो ये हर साल मुद्दा उठेगा, कुछ समय का है, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। मतलब ये बड़ा बड़ा चिंतनीय विषय है कि हम हर साल पोल्यूशन पे बड़ी बड़ी चर्चाएं और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, बड़े बड़े रिकमेंडेशन, मंथन सब कुछ होता है, लेकिन वो एक शेर है कि जब 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 मर्ज बढ़ता गया, जब जब दवा की। मतलब आप ये तात्कालिक उपाय करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं है। जी, इसमें आपने कई बार सही बात कही कि ये मर्ज पुराना है और इसमें दवाएं भी मेरे ख्याल से जो चल रही हैं वो उपयुक्त नहीं साबित हो रही हैं, क्योंकि अभी क्या है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चल रहा है कि आप फाइन दीजिए, जेल में डालिए, FIR कीजिए, परंतु ये किसानों का जो मुद्दा है ये उनके क्या है लाइवलीहुड या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी खेती करने की प्रैक्टिस से जुड़ गया है ये। अब उसमें दो मुद्दे हैं, एक तो धान की जो वैरायटी होती है जो जल्दी ग्रो करती है उसको लगाने का निर्देश दिया गया था, कई बड़े क्षेत्र वो लगा भी रहे थे, परंतु उसके बाद उनको सब्जी लगाने का समय मिल जाता था तो उसमें भी पराली थोड़ी बहुत वैसे जनरेट होती है तो उसको जला दिया, पहले दिया जाता तो उसका असर नहीं दिखता था। परंतु ये जो पूसा 44 का मैंने जो सुना है कि ये एक ऐसा पौधा है कि जो कि बहुत हाई ग्रोथ देता है राइस का, परंतु पानी भी बहुत लेता है और इसमें पराली भी बहुत ज्यादा निकलती है और इसको बहुत कम समय में इनको क्लियर करना है। अब ये या तो किसान जो समर्थ है, बड़े किसान जो है उनको तो क्लियर कट आदेश देना चाहिए कि आपकी अगर इतनी लैंड होल्डिंग है, सरकार निर्देश दे कि या तो आपको पराली को जमीन में ही मिक्स करना है या फिर उसका उपयोग वहीं करना है या फिर इसको कहीं भेजना है। छोटे किसानों को सरकार को मदद करनी पड़ेगी क्योंकि वहां ना तो मशीनें जा रही हैं, मेरे ख्याल से जो खबरें आ रही हैं ना ही वो मशीन अफोर्ड कर पा रहे हैं, और ये इतना बड़ा एरिया है, इतने बड़े जिले हैं, कई गांव हैं, लाखों गांव हैं, तो उसमें क्या है इन क्षेत्रों में या तो सरकार जिम्मेदारी लेके इसको हम उठा के इसका वैकल्पिक व्यवस्था हम इसकी करेंगे। किसान के पास मेरे ख्याल से इतना वक्त नहीं है कि वो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था वो खुद करे और फसल भी लगाए, तो और इधर फूड सिक्योरिटी का भी इशू है कि अगर किसान फसल ना उगाए तो फिर देश में अनाज की दुविधा होगी। और एक लॉन्ग टर्म जो सरकार ने गलती की है जो कि मैं कहना चाहूंगा, जिसको सुधार भी रही है वैसे सरकार की, ऐसे क्षेत्रों में धान की फसल को बढ़ावा देना जहाँ की पानी भी नहीं है, पानी ना होने के चलते ही उन्होंने इस विंडो को क्लोज किया था यानी आगे बढ़ाया था कि भाई जून में पानी ग्राउंड वाटर यूज करते थे किसान ज्यादा, इसकी बजाय आप देर से इसकी फसल लगाए धान की ताकि मानसून का फायदा आपको मिले और आप फिर मानसून से आप वो जला, फिर इनके बाद इनको अगली फसल लगानी है ठंड की। तो ये जो धान का जो मुद्दा है इसको मेरे ख्याल से सरकार को पंजाब हरियाणा को साथ में लेके बैठना होगा कि भाई धान आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है, पानी ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है और जो भी अवेलेबल है वो बहुत ही नीचे चला जा रहा है, आम जनता आगे चल के विद इन ए डिकेड क्या पानी पिएगी, साफ पानी के लिए वहां दुविधा हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में जब तक इस समस्या को नहीं देखा जाएगा, सिर्फ हम किसानों को पकड़ेंगे या फिर किसान बोलेंगे कि हमारी असुविधा है, तो मेरे ख्याल से
जहां तक संभव है कि बड़े किसानों को साथ में लेके इसको किया ही जाए, उनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाए कि भाई आपके पास आर्थिक सामर्थ्य है, आप मशीन ला सकते हैं, आप अति अच्छी उपज करते हैं, आपकी आय इतनी है, तो आपको ये अफोर्ड करना ही पड़ेगा। परंतु जो छोटे और मझले किसान है उनको इंसेंटिव पैसे के तौर पर ना देकर आप उनको मशीनों के द्वारा उनको उठाइए पराली को वहां से, और वैकल्पिक चीजों में आप लगाइए, ऐसे प्लांट्स लगाइए, हर जिले में कुछ लगाए भी गए हैं जो इनका उपयोग करे पैलेट बनाने में या वैकल्पिक चीजें बनाने में, ताकि इसका जलाने की बजाय इनका उपयुक्त जगहों वाकई में उपाय मतलब बिजनेस सेक्टर जो है इसमें बिल्कुल। इन्वॉल्व और हो वही और सबसे इसको। सबसे आवश्यक है कि जिन बातों की हम चर्चा कर रहे हैं वो केवल कागजों में और जो एक्शन प्लान जो बन रहा है, एक्शन और प्लान अगर देखा जाए तो जब दो शब्द हैं, ठीक है, और इस यहीं पे छुपा हुआ है एक्शन प्लान, यानी कि सिर्फ प्लान मत बनाइए, उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी एक्शन भी दिखना चाहिए और ग्राउंड पे दिखना चाहिए। चलिए, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ज़रा दिल्ली के प्रदूषण से किस तरह से लोग परेशान हैं और क्या कहना है लोगों का, लोगों की प्रतिक्रिया ज़रा सुन रहे हैं, जो भोग रहे हैं, ज़रा वो रिएक्शन सुन लेते हैं। वो तो आँखों में धूल घुसती रहती है, धुआं घुसता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आँखों से पानी आता रहता है और आँखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है इसका, जिससे लोगों में बीमारी भी ज़्यादा फैल रही है। अब हर साल की परेशानी है, तो सरकार की कोशिश भी करती है, फिर भी बढ़ता ही जा रहा धुआं। तो बिल्कुल, तो लोग परेशान हैं, साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी सेहत सब प्रभावित हो रही है। विवेक जी, एक चीज मैं समझना चाहता हूं, हमारे पास मतलब ये जो प्रदूषण की समस्या है ये तो दुनिया भर में कई जगहों पे है, लेकिन आप लोग तो तमाम रिसर्च और तमाम जगहों के बारे में जानकारियां भी इकट्ठा करते होंगे, कोई ऐसा मॉडल है या कोई ऐसी, अगर हम एक उदाहरण के तौर पर जाने कि एक ऐसा देश या एक ऐसा क्षेत्र जिसने बहुत प्रभावी तरीके से जो है प्रदूषण पर रोकथाम लगाई है इस विकास की दौड़ में भी, और शायद उस तरफ भी देखना होगा, जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ों पे मंथन होता होगा। जी, इसमें बहुत सारे देशों ने एक क्षेत्रीय तौर पर काम किया है, इवन रेगुलेशंस भी हैं इसके। पहला तो उदाहरण है यूनाइटेड स्टेट्स का जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, वहाँ ओजोन की समस्या काफी होती है राज्यों में। तो वहाँ क्या है कि कोई अगर स्टेट इतना प्रदूषण फैलाता है जो कि दूसरे राज्य के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मीट नहीं करने देता, यानी प्रदूषण जैसे दिल्ली से नोएडा में जाता है या दिल्ली में जो आ रहा है एनसीआर क्षेत्र से आ रहा है, तो एनसीआर क्षेत्र को भी उतना कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि वो अपना स्टैंडर्ड भी मीट कर सके और दिल्ली के लिए भी जितना जरूरी है वो कम कर सके, दिल्ली को भी उतना ही कम करना होगा। तो ये क्या होता है कि रीजनल रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है साइंटिफिक मॉडल्स के द्वारा, कि पहले तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है कितना टन एमिशंस या प्रदूषण हर राज्य कितना जनरेट कर रहा है, किन स्रोतों से कर रहा है। अब इसमें क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सरकार ने बनाया है, पर वो अभी अधूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो इंफॉर्मेशन सिर्फ दे रहा है कि एनसीआर के जो जिले हैं उनसे प्रदूषण कितना आ रहा है दिल्ली की हवा में PM2.5 के कंट्रीब्यूशन में, पर ये नहीं बता रहा है कि वो किससे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं पिछले 2-3 दिन का पहले का डेटा देख रहा था, करीबन 30% प्रदूषण गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और गाजियाबाद से आ रहा था, क्योंकि हवा की डायरेक्शन उस समय साउथ ईस्टर्न थी। तो अब ये बताइए कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहां कंट्रोल भी करने जाए तो कंट्रोल क्या करे। इसलिए हमारे साइंटिफिक मॉडलिंग सिस्टम, एयर क्वालिटी मॉडलिंग सिस्टम काफी उम्दा होना पड़ेगा। जैसे हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं आजकल काफी एक्यूरेट होते जा रहे हैं हम दिन प्रतिदिन, सिमिलरली हमारी ये जो एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग और प्रदूषण की फोरकास्टिंग है काफी अच्छी होनी पड़ेगी। और कई जगह कंट्रोल्ड बर्निंग की भी उपाय दिए जाते हैं, जैसे कि कई जगह ठंड के समय, फॉर एग्जाम्पल विंटर सीजन में यूरोपियन कंट्रीज में या कई जगह कोयला जलाया, कोयला नहीं तो लकड़ी और ये सारी चीजें जलाई जाती हैं तो उससे प्रदूषण होता है, तो उसको कब जलाया जाए इसकी भी समय सीमा तय की जाती है।
बीजिंग ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनाया था। बीजिंग हुआ तीन बड़े राज्यों का बड़ा क्षेत्र बनाया था। हमने भी यहाँ कोशिश की थी, ताज ट्रेपेजियम जो नागरा में, जिसमें आसपास के इंडस्ट्रीज और सभी ठीक इकाइयों है पर ठीक है, एक हमें हमें समान कहीं ना कहीं नियमों के। इंटरनेशनल मॉडल और वैज्ञानिक तरीकों की ओर वाकई जो है वो गंभीरता से काम करना होगा, मतलब एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मुश्किल है ये अब और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सर मेरे पास समय कम है, लेकिन एक 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 बड़ा कॉमन सा सवाल है, ये जो वाटर स्प्रिंकल और वाटर कैनन जो है तात्कालिक उपाय, ये कितने प्रभावी होते हैं? ये न के बराबर होते हैं। अगर ये साफ क्षेत्रों में अगर ये चलाए जा रहे हैं तो ये बशर्ते कि पेड़ों को ये फव्वारा देना है, परंतु सिर्फ उन्हीं चुनिंदा जगहों में उपयोगी है जहां डस्ट बहुत ज्यादा है। जैसे ग्रेटर नोएडा के कुछ क्षेत्र में आप देखेंगे डस्ट ही डस्ट है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो टारगेटेड वे में इनका उपयोग अगर वहां किया जाए तो इसका फायदा है, क्योंकि अगर इन जनरल अगर आप उसको उपयोग करते रहेंगे ऐसी हवा में तो वही है, इससे क्या होता है, तात्कालिक उपाय मॉइस्चर हो पैदा सकता हो। है, क्षेत्र विशेष की समस्या को दूर कर सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा असर, फर्क पैदा करे, ये ऐसा नहीं है। शुक्रिया करेंगे विवेक जी, हमारे पास समय इतना ही था इस चर्चा में, और उम्मीद यही करते हैं कि अगली बार इस तरह की चर्चा ना करनी पड़े। हालांकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें बार बार सख्ती के बावजूद इसी तरह की टिप्पणियां सामने आती हैं, लेकिन नतीजा ढाके तीन पात। बहरहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। एसोसिएशन विद स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं आगे, बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखी गई। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 170 अंक गिरकर 24,500 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी ऊपर से 300 अंकों से ज्यादा लुढ़का। कैसा रहा बाजार में एक्शन, बता रहे हैं अंश भीलवाड़। तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि निफ्टी 1% से भी ज्यादा गिरता हुआ नजर आया था। आज देखे तो कुछ 0.1-0.2% से ही गिरता हुआ नजर आया, तो बड़ी गिरावट तो नहीं थी मार्केट में, थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ नजर आया। अब अगर सेम टाइम पे हम इसका चार्ट देखें तो 24,550 का बहुत अहम लेवल है जिसे देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 100 DA में रहता है, तो यहाँ पर एक थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब अगर सेम टाइम पे हम दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप हमें हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, तो यहाँ से एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है मार्केट के लिए। अब अगर हम सेक्टोरल गेनर की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आता है, जो कि 3 सेशन की लगातार बिकवाली के बाद जाकर आज अच्छी खरीदारी होती हुई इसमें नजर आ रही है। इसके टॉप गेनर्स भी देखें तो यहाँ पे कॉफोज और परसिस्टेंट नजर आते हैं, जो कि अच्छे नतीजे और पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट के कारण इसमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई थी। अब अगर सेक्टोरल लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल और निफ्टी एनर्जी, तीनों ही इंडेक्सेस हमें लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। अब अगर ओवरऑल मार्केट देखे तो आज के मार्केट को कहीं ना कहीं पॉज या एक थोड़ा मिक्स मार्केट सा कह सकते हैं। अहम बात यह है कि कल निफ्टी वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है, तो अच्छी वोलेटिलिटी दिख सकती है मार्केट में, तो जो हैवी वेट है खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक, इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। हीरो मोटो अगले महीने 2 नई बाइक लॉन्च करने वाला है, कंपनी का और क्या प्लान है बता रहे हैं सुमित चतुर्वेदी। भारत के टू व्हीलर मेकर जो हीरो मोटोकॉर्प है, इनकी बड़ी योजनाएं हैं आने वाले महीनों में। अपने टू व्हीलर्स को लेकर 2 नई बाइक आने वाली हैं, 210 सीसी की एक्सपल्स और 250 सीसी की एक और बाइक, ये करिश्मा भी हो सकती है। इसके बारे में एक पुख्ता जानकारी नहीं है, पर 210 सीसी की एक्सपल्स से ये जानकारी पुख्ता है। कंपनी अगले महीने इन बाइक्स को दिखाएगी और उसके बाद इन्हें कुछ हफ्तों में ही लॉन्च किया जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प की यह भी योजना है कि वो नए यूरोपियन मार्केट, 2 से 3 नए यूरोपियन मार्केट्स में अपनी एंट्री करेगी। इसके बारे में भी ऐलान जल्दी होना संभव है। पिछले महीने कंपनी के टू व्हीलर की बिक्री में 19% का इजाफा हुआ था, फेस्टिवल्स के आने के कारण ये इजाफा देखने को मिला था, पर ये मोमेंटम आगे भी जारी रहे इसके लिए कंपनी नए उत्पाद लॉन्च करने जा रही है, और यही हमें जानकारी मिली है। चलिए शुक्रिया करेंगे सुमित आपका। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली PWR DUPR इंडिया मास्टर्स की मेजबानी के लिए तैयार है।
24 से 27 अक्टूबर तक चलने वाले चार दिनों के पिकल बॉल टूर्नामेंट में 750 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वहीं पिकल बॉल वर्ल्ड रैंकिंग्स ने यह ऐलान किया है कि नेशनल पिकल बॉल लीग ऑस्ट्रेलिया अब ओशियाना रीजन का ऑफिशियल टूर्नामेंट होगा। ओशियाना टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ी अब PWR वर्ल्ड सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो तैयार रहिए टाइम्स ग्रुप की पहल से हो रहे इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए, पिकल बॉल के थ्रिल को महसूस करने के लिए। दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर होता खेल है, सबसे तेजी से बढ़ता रैकेट स्पोर्ट। हम बात कर रहे हैं पिकल बॉल टूर्नामेंट की। अब पिकल बॉल वर्ल्ड रैंकिंग्स ने इस बात की घोषणा कर दी है कि नेशनल पिकल बॉल लीग ऑस्ट्रेलिया अब ओशियाना रीजन का ऑफिशियल टूर्नामेंट होगा। और बड़ी बात यह है कि ओशियाना टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ी अब PWR वर्ल्ड सीरीज में भाग ले सकते हैं। इसके लिए खास PWR स्ट्रक्चर बनाया गया है और उसके जरिए अलग अलग कैटेगरी के पिकल बॉल प्लेयर्स की रैंकिंग तय होगी। 24 अक्टूबर खेल की दुनिया में एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, जब देश की राजधानी दिल्ली में पिकल बॉल की PWR DUPR इंडिया मास्टर्स टूर्नामेंट की धूमधाम से शुरुआत होगी। दिल्ली के आरके खन्ना स्टेडियम में 27 अक्टूबर तक इसका आयोजन होना है। इसके लिए खिलाड़ी भी बहुत एक्साइटेड हैं। I feel great to be here. I actually was here a couple years ago for pro tournaments in Delhi, so it feels awesome to be back here playing pickleball now. You know, a bunch of people that came down here, a decent amount of them from the States, Europe, and all over the world, and it's going to be fun to see some players from India that I know too that I play tennis against, so it'll be fun. Delhi mein pickleball tournament ka aayojan Dubai ke baad kiya ja raha hai. Isse pehle July mahine mein Dubai mein PWR World Tour ka aayojan kiya gaya tha. भारत में इस लीग के शुरू होने से पहले टाइम्स ग्रुप के MD विनीत जैन भी पिकल बॉल पर हाथ आजमाते नजर आए। I think it's great. It really started out in the US, but now to see it actually becoming globalized and especially here in India with the amount of skill players there are in badminton and other racket sports, I think it's just going to grow even further in India and I love to see it, especially being kind of my homeland, you know. It's nice to see people really take to pickleball. Bill Gates, Elon Musk aur Taylor Swift jaisi mashhoor hastiyan bhi is sports ke fan hain. ये खेल वैश्विक मान्यता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार। बदल रहा